ठीक है मुझे थोड़ा मुझे भी अब बच्चा ग्रेजुएशन कर लो अबे डोंट प्रॉम्प्ट मी आप जो सोच रहे हो वेलकम यू फिर से करो पूछ क्या तुम यार अरे सोच नहीं ना रुक जाओ वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स आई थिंक वी आर गुड एट दिस नाउ स्टार्ट अब प्रांशु हमारे घर का सबसे पहला बेबी था तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट था तो प्रांशु मुझे बहुत मारेगा क्योंकि वो हमेशा से बोलता रहा कि अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा उससे मिलाऊँगा भी नहीं तो मिल तो मैं तुमसे ली हूँ लेकिन प्रांशु इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड और जैसा है वो बहुत ही शायद इससे प्यारा लड़का हो ही नहीं सकता तू होगी 1-2-2 ओ कुड़िये 1-2-2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारेगी तू ऐवी उड़दी ओ हो गई मुंडे दी तू करती थी बेटीन साड़ी विक्टोरिया हाय हाय मेरे हीरो तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन धुमकदा ओ जद्दो नच्चे पहन दी पूरा लंदन धुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन धुमकदा ओ जद्दो नच्चे पहन दी पूरा लंदन धुमकदा आकांक्षा के ऐसे ही बाई चांस हम लोगों को उनके बारे में पता चला इन लोगों की बात हो गई वो डॉक्टर है तो इससे पहले तो प्रेफरेंस थी कि अच्छा यार मतलब जनरली होता है कि डॉक्टर डॉक्टर साथ में रहते हैं एंड तो इससे पहले हम कोई डॉक्टर भाई किसी से मिल भी नहीं रहे थे या किसी से बात भी नहीं कर रहे थे बट इससे बाई चांस ही जस्ट सेट कि अच्छा यार इसे बात कर लेते हैं एंड इससे पहले अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में भाई वाज लाइक कि देखो मेरे को कोई रश मत करना अगर किसी से बात बात भी हुई तो मैं पूरा 3-4 months लगाऊंगा आई विल टेक माई टाइम एंड देन आई विल डिसाइड एंड दैट्स हाउ इट विल बी 2 weeks डाउन द लाइन ही लाइक ओके आई वांट टू गेट मैरिड डेट सेट कर देते हैं रोके मोहे टोके मोहे काटे रे डगर मोरे यमुना के तट की लाज नाही काज नाही मारे जो कंकरिया तो फूटे मोरे मट की राख चतुर भर मे प्रेम जार घर जावे जो भी करे करे सब क्विक 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 कहूं
हमारी जर्नी वॉज लाइक वेरी क्विक. नहीं पता था कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है. मुझे ऐसा लगता था कि बहुत स्कैरी होता है. आई डोंट नो द अदर पर्सन पहले से. एंड आई रिमेंबर माई फादर्स फर्स्ट रिएक्शन प्रॉब्ली वॉज दैट शी इज अ डॉक्टर. सो द बैक स्टोरी टू दैट इज दैट आई हैड अ व्यू दैट डॉक्टर्स ओनली वॉन्ट टू मैरी डॉक्टर्स विच इज देयर. Most of the time doctors would prefer to be with someone from the medical background. So I normally used to say no to such rishtas. For some reason, I don't know why, for the first time I told, okay fine, I should meet her. I guess it's what is destiny, because this was the first time when I had told that, okay, I'll meet someone who's from the medical background, who's a doctor. And बस जा कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा. कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा. कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना. कुड़िए नी ए चुप्पी ता तोड़ कुड़िए आना कानी भी छोड़ कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए लोनलीनेस तेरे बिन जिंदगी में कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए. After that we exchanged numbers and we started talking and messaging, and pretty soon we realized that we were very compatible. We had very similar expectations out of life, and we also gelled very well. It was very easy to be with each other. I would not say we met a lot of times, but over long phone conversations and of course a few meetings, we were very sure that we should take this ahead. बहुत ही ज़्यादा cute है, बहुत ही bubbly है. तो I think हमारी family में काफ़ी अच्छे से fit होगी वो, because वैसे भी भाई तो काफ़ी खड़ूस से हैं. तो किसी को तो उनकी खड़ूसियत की लेवल कम करना ही था. हम लाइफ भर से कोशिश कर रहे थे. Now we will just pass it on to somebody else and we're like, तेरे ज़िम्मे. This ain't love, it's clear to see. Darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, need some self-control. Deep down I know this never works. You can lay here with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's
clear to see. Darling, stay with me. Just stay with me. Darling, stay with me. He is a very nice person. मैं बहुत कम बात करती हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट, बट वो हमेशा देखते हैं मुझे, बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वाज. आई थिंक आवर पर्सनालिटी इज काइंड ऑफ जेल वेरी वेल, वेयर probably she makes up for some of the shortcomings which I have, and so this overall when I realized this, to be honest, I did not think about this deeply, but just naturally I felt very comfortable being with her. That's what made me realize that she's the one. अरेंज मैरिज मतलब जो हम लोगों को बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे बैठो, ज़्यादा मत बोलो, वैसा नहीं है. तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मैरिज तो वैसी ही होती है, उसको निभाना पड़ता है. The first time when I was about to message her, once our parents had spoken to each other that okay, you guys can talk and probably meet a few times and see if you guys are fine. The first time when I had messaged her, I had assumed that since she is a doctor, she will have a very serious demeanor. She will have a very formal and serious, mature demeanor. But I was pretty surprised when I talked to her and I realized that she has this very bubbly personality and almost like a girl. So it was kind of a surprise, and even when I met her for the first time, she looked a little different from her photograph. Really pretty, really cute. So the first time when I met her, I straight away told her that you look much better in your real life than your photograph. So initially she was taken aback a little bit, I'm assuming. ओके, तो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे 2nd of August में. तो उस दिन मतलब मम्मी पापा और प्रांशु साथ में आए थे, एंड अंकल एकदम ज़ोर से चिल्लाए, इधर आओ. तो आई गॉट स्कैर्ड. तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, तुझे ही कैसे पसंद आ गया, तू तो ठीक है, इसको भी तुमने पसंद कर लिया. तो दैट इज़ हाउ वी मेट, एंड अंकल आंटी बहुत बहुत कूल हैं, एंड मतलब मुझे उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं कराया कि तुम अब वहाँ से इधर आ गई हो. डे वन से मुझे हमेशा बेटी ही माना गया है, नॉट बहू. बोल, और आज का
का मौसम कैसा है? वेदर फोरकास्ट है। तेरे हवाले है ये जिंदगी मेरी, तेरे उजाले से सब राहें हैं यहाँ। अपने नसीब का मैं बादशाह नहीं, तू मेरी शाम है तू ही मेरी सुबह। तूने कहा सुन लिया, तूने कहा मैंने सुन लिया। बारिश होगी बहुत ज्यादा तूने बट कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। पूछो अगर अलाउ करेगा। तूने कहा मैंने सुन लिया। हाउ विल शी इवन गो देयर? रंगों से दोस्ती है मैंने भी करी, क्या है तू सोचती मुझको भी तो बता। तूने कहा didn't have a brother, now I have this dumb person as a brother. I am really glad that Anku, you have come. Person is generous, beautiful, smart, and you guys really do complete each other. So my best wishes to you guys for all your life, and all the love to you guys. Love you. मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि अंकु घर पे आई है, and finally you know अब कोई होगा जो मेरी side लेगा, because I was apparently the only doctor in the family. In spite of the fact that I couldn't make it, just want to wish you all the happiness, all the goodies, everything good in life, good health, and बस हमेशा खुश रहना दो। हमें नहीं पता था that suddenly 1 year में इतना कुछ सब कुछ हो जाएगा। कांक्षा जी कैसे आई पता नहीं, and she fits so perfectly in the family, and I'm so 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 happy for भाई। आशु मजे करो and enjoy your life and have a good honeymoon. Yes, that is very important. और मैं विश करती हूँ कि आगे भी स्माइल करते रहे, एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। शी इज इजी गोइंग टू अंडरस्टैंड, इज अ फूडी लाइक मी, लाइक्स टू ट्रैवल, आई ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल। Both of us have our family's values rooted in us. He is very understanding, and मैं बहुत ज़्यादा जल्दी react करती हूँ, तो वो मुझे हमेशा calm down करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। About me starting a new phase in life, it's an exciting opportunity because for me not only do I get my life partner or my wife as society would say, but I get a travel partner, I get a coffee buddy, I get a friend who I can hang out with, I get a movie partner.